नमस्कार। कभी आपको भी किसी ने आके बोल दिया कि आपके घर में वास्तु दोष है? अगर आप इस घर में रहेंगे तो आपको पता नहीं आपके बिजनेस में कितने लॉसेस हो जाएंगे और आपके घर में क्या से क्या प्रॉब्लम्स आ जाएगी। वो तो अपना काम करके चले गया और आप लोगों ने स्ट्रेस में रहना शुरू कर दिया कि हमारे घर में वास्तु दोष है। आइए आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए मैं आप लोगों के आचार्य मोनिका 5 साल से भी ज़्यादा इस फील्ड में आपको इस कंफ्यूजन का सलूशन देने आई हूँ। क्या होता है वास्तु दोष? वास्तु दोष कुछ नहीं होता, शुभ और अशुभ कुछ नहीं होता। ये लोग आके हमारे को ऐसी बातें बोल देते हैं क्योंकि उनको इस इंडस्ट्री में से काम करके पैसा कमाना है, लेकिन हम जो महावास्तु वाले लोग होते हैं हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम लोग जोन्स पे काम करते हैं। अगर एक किसी जोन में एंटी ऑब्जेक्ट, एंटी एलिमेंट या फिर एंटी यूटिलिटी का सामान पड़ा है तो वो हमारे को गलत रिजल्ट देना शुरू हो जाता है और वो ही हमारा वास्तु दोष होता है। अब ये तो नहीं, अगर ये यहाँ सामान पड़ा है तो हम इसको रिलोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा तो काम ही रिलोकेशन का है। अगर एग्जाम्पल के तौर से हमारे साउथ ईस्ट में गैस बर्नर होता है जो गैस की दिशा है, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ जोन में। अब यहाँ पे हमारा बर्नर आ गया, हमें अच्छे रिजल्ट दे रहा है। अब यही गैस बर्नर हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया, जो नॉर्थ की डायरेक्शन है ये हमारी मनी एंड अपॉर्चुनिटीज़ की डायरेक्शन है। यहाँ पे गैस बर्नर आ गया तो क्या होगा? हमारे को नए अवसर नहीं आएंगे, हमारे को प्रमोशन नहीं होगा, हमारे को अगर किसी मान लीजिए नई जॉब चाहिए है तो हमें वो ढूंढने में दिक्कत होगी, हमारे नए क्लाइंट्स आने में दिक्कत होगी, नए अवसर मिलने में दिक्कत होगी। तो ये हमारा वास्तु दोष है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे को इतनी नेगेटिविटी आ गई कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। हम इसको ट्रीट करेंगे और ये सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि किसी के घर में बहुत रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम है और कोई आकर बोल गया कि आपके घर में वास्तु दोष है और आपके यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो जाएगा। अब देखिए, अगर साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर हो तो वैसे भी डिवोर्स या अलग होने के चांसेस हो जाते हैं, तभी हम कहते हैं कि साउथ वेस्ट में कभी भी रेड और ग्रीन कलर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एंटी कलर है। एंटी अगर ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो हमारे को वैसे रिजल्ट्स आएंगे और ये हमारा वास्तु दोष होता है। तो इसीलिए इससे डरिएगा मत। एक और एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगी। आयुर्वेद हो गया हमारा महावास्तु, हमारे घर की अगर हम बात करते हैं, घर की बात होगी या फिर योग की बात होगी, ये तीनों चीज़ें 5 एलिमेंट से बनी हुई हैं। जैसे कि घर का मैंने बोला, हमारा घर 5 एलिमेंट से हम देखते हैं कि हमारे घर में कौन से एलिमेंट में कौन से जोन में क्या कमी हो रही है, हम उसको ट्रीट करते हैं। अगर आप अपनी बॉडी की बात करते हैं, जैसे कि हमें मालूम है हमारा जो शरीर है ये भी 5 एलिमेंट से बना हुआ है, किसी एक एलिमेंट की अगर ज़्यादा हो जाता है या वो कोई एलिमेंट कम हो जाता है तो हमें वैसा दोष आना शुरू हो जाता है, और अगर हम उस एलिमेंट को बराबर से ठीक कर देते हैं तो हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसी तरीके से घर का भी जो दोष है, 5 एलिमेंट कहाँ पे सही से अगर हम रखेंगे तो वो चीज़ हमारे को वैसा रिजल्ट देगी। तीसरी बात, अगर मैं आपको कंपैरिजन की बात करती हूँ तो योग की बात करते हैं। जो योग, जो हमारा मन होता है, अगर हमको भी इसको सही करना है तो हम इसको मेडिटेशन से ठीक कर सकते हैं। अब ये तो नहीं कि वो कोई दोष हो गया, नहीं। तो इसीलिए कुछ भी दोष नहीं होता है। कि लोगों के पैसे कमाने के तरीके हैं वो आपको कैसे भ्रमों में डाल देते हैं, ऐसी कन्फ्यूजन में डाल देते हैं और आप सोचने लगते हैं कि आपके घर में दोष हो गया। कुछ दोष नहीं है। आप उस जोन को हम ठीक करते हैं, वहाँ पे सही तरीके की एक्टिविटी को लाना शुरू करते हैं, हम 5 एलिमेंट्स में देखते हैं वहाँ क्या गलत और क्या सही रखाना है, वो करने के बाद हम अपनी प्रॉब्लम्स का निदान ले लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी ने आके ये बोल दिया है कि आपके घर में वास्तु दोष है और आप बहुत परेशान हैं, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, इस चीज़ का सोल्यूशन मैं आपको दे दूँगी। थैंक यू सो मच।